गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज की इस सीरीज में जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं, ये आर्ट एंड कल्चर है। और आर्ट एंड कल्चर में हम स्थापत्य कला को देखेंगे और स्थापत्य कला में भी हम मंदिर स्थापत्य कला को देखेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि अगर एंशियंट और मेडिवल की मैं बात करूँ हिस्ट्री में, देखिए हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला एंशियंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा डेटा मैं डिलीवर कर सकूं। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अगर मैं बात करूं एंशियंट एंड मेडिवल की, सो यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ये आपका आर्ट एंड कल्चर का ही होता है। ठीक है, जैसे कि आए दिन अगर आपने देखा होगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाई, या कौन सी शैली निम्नलिखित में से ममल्ल शैली है, या पूछ लिया जाता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, या सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इसके साथ ही में पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की जो मंदिर शैली है वह किस शैली पर आधारित है। इसके साथ ही में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, कौन से स्तूप किस शासन काल से संबंधित है या किस राजा महाराजा से संबंधित है, और सबसे बड़ी बात है कि स्तूप का अर्थ क्या है और स्तूप के निर्माण की परंपरा हमारे यहाँ कैसे जन्म ली। सो ये सारे क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये एंशियंट का नहीं, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। देखिए एंशियंट और मेडिवल को कवर सिर्फ करने का बेहतर तरीका है कि आप उनके कल्चरल और आर्ट वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें आप कवर करें तो मैक्स चीज़ें कवर हो जाती हैं। मॉडर्न हर किसी को पता है और मैक्सिमम सारे टीचर मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि मॉडर्न का जो पैटर्न है ना वो फिक्स पैटर्न है, एक के बाद एक आती है। अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न में आप पढ़ते ही क्या है, सबसे पहले तो आप 1857 की क्रांति पढ़ लेते हैं, इसके फिर बाद में आप किसान योम जनजातीय विद्रोह पढ़ लेते हैं, इसी के बाद में ही किसान जनजातीय विद्रोह के बाद में आप सुधार आंदोलन पढ़ लेते हैं, कोई पुनर्जागरण सुधार आंदोलन पढ़ लेते हैं, सुधार आंदोलन के बाद में भी आप भारत में शिक्षा का प्रसार देखते हैं, शिक्षा के प्रसार में ही आप भारत में पत्र योम बुक्स देख लेते हैं, पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ लेते हैं। ठीक, इसी के जस्ट बाद में फिर आप पढ़ते हैं 1885 वा कांग्रेस अधिवेशन। ये पढ़ने का आपका मॉडर्न का तरीका है कि मॉडर्न में 1857 की क्रांति पढ़ लें, किसानों एवं जनजातीय विद्रोह पढ़ लिया, कुछ सुधार आंदोलन पढ़ लिए, इसके बाद में भारत में पत्र पत्रिकाओं देखा कि कैसे कैसे रिलीज हुई वो आपने पढ़ लिया, उनका इतिहास देख लिया, साथ ही साथ में आपने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा का विस्तार कैसे किया गया वो आपने पढ़ लिया, इसी के बाद में आप तुरंत शिफ्ट कर जाते हैं 1885 कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस के गठन से। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं, मॉडर्न क्लियर हो जाता है, ये मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है, हर कोई यही फॉलो करता है, करना भी चाहिए। लेकिन एंशियंट और मेडिवल के साथ जो हमारे यहाँ की एक सबसे बड़ी विडंबना है, यही कहावत है कि एंशियंट एंड मेडिवल को कवर करने का जो तरीका है वो उतना बेहतर नहीं है और यहाँ से क्वेश्चंस भी जनरेट नहीं होते, और जनरेट हो भी जाए तो कितना भी पढ़ लो करना बहुत मुश्किल होता है। रीज़न यही है कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो रहे हैं ये हमें जानना चाहिए, और सबसे बेहतर है कि आप उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स को फॉलो करिए, उन चीज़ों को पढ़िए तो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। देखिए आपको भी पता है कि क्वेश्चंस अगर मध्य और इतिहास से पूछा जाता है, बौद्ध जैन से पूछ लिया गया, मौर्योत्तर से पूछ लिया गया, गुप्त गुप्तोत्तर से पूछ लिया गया, फिर दिल्ली और दिल्ली के बाद में फिर मुगलिया पीरियड, तो ये जो चीज़ें हैं ना अगर हम इनके कल्चरल एंड आर्ट्स पर्सपेक्टिव को देख लें तो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगे। सपोज दैट आपसे एक एग्जांपल में पूछ ले कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है, या पूछ लिया जाए कि बनी ठनी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि यार ये पूछ क्या रहा है, मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन से कुछ भी पूछ रहा है कमीशन, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, वो कल्चरल एस्पेक्ट्स को पूछ रहा है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, सो एंशियंट और मेडिवल को हमारा कवर करने का पहला तरीका है कि हम उनके आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट्स को फॉलो करें, जो कि हम वही करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी जब आप देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में क्या है, एक है स्थापत्य कला,
स्थापत्य कला के बाद चित्रकला, और चित्र के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका एक आ जाता है नृत्य और संगीत। जैसे सपोज दैट आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि बिहू नृत्य कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, इसी के साथ में पूछ लिया जाए भरतनाट्यम का संबंध किससे है, या पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस कलाकार से है, सोनल मानसिंह का नाम दे देगा, पता नहीं चलेगा कि सोनल मानसिंह कौन से हैं। सपोज दैट कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से बांसुरी वादक हैं, सो ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर का है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम पहले स्थापत्य कला को देख लें, चित्रकला को देख लें, और एक लेक्चर में हम नृत्य और संगीत कला को भी देख लेंगे। तो जितने भी नृत्य आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो कथक हो, कथकली हो, उसके बाद में भरतनाट्यम हो, मोहिनीअट्टम हो, ये सारे बिहू, ये सब के सब हम एक क्लासेस में कर लेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं ये है स्थापत्य कला, और स्थापत्य में भी जो हम देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं मंदिर स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट सेशन है, इसके बाद आपको मैं 3 लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा जो कि आर्ट एंड कल्चर पे होगा। इसी के साथ साथ फिर हम मेडिवल, मेडिवल के बाद हम मॉडर्न पे शिफ्ट करेंगे। सो ये क्लासेस आपको कंटिन्यू 30 दिन तक प्रोवाइड की जाएगी, डेली 3 क्लासेस आपको दी जाएंगी। यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज का टॉप पैटर्न होगा वो टॉपिक वाइज होगा, मतलब ये समझिए कि आने वाले 30 दिनों में कम से कम आपको 90 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि टॉपिक वाइज होंगी, मतलब एक क्लास में एक या दो टॉपिक्स को कवर कर दिया जाएगा। सो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है, और सारे टॉपिक में कोशिश होगी 7-8 क्वेश्चंस में मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंडेटरी है। ओके सो ये चीज़ें हैं। तो आज जो हमारा जो सेशन है वो आर्ट एंड कल्चर का है, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। सो यहाँ पे चीज़ें मैं एक बार आपको समराइज कर रहा हूँ, जो आने वाली स्ट्रेटजी है वो कैसी होगी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखते हैं, आप ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली, निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली की एक उपशैली है, निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली की एक उपशैली है। पहली बात तो ये समझिए कि नागर शैली होती क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए कि नागर शैली क्या है तो आप उनकी शैलियों के बारे में भी समझ जाएंगे। ठीक, नागर शैली बेसिकली, नागर शैली स्थापत्य कला में, वो भी स्थापत्य कला में, मंदिर स्थापत्य कला की एक शैली है। अगर मैं नागर शैली की बात करूं तो नागर शैली उत्तर भारत की शैली मानी जाती है। आप अगर देखेंगे मतलब नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत की शैली है। नागर शैली में जो हमारे मंदिर स्थापत्य होता है उसमें क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, हम वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक ऊंचा चबूतरा होता है। अगर आप देखेंगे, आप उत्तर भारत के किसी भी मंदिर को अपने माइंड में इमेज करिए, किसी भी मंदिर को, आपको चीजें वही मिलेंगी जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ। ठीक है, ये उत्तर भारत की शैली है। उत्तर भारत के साथ में यहाँ ऊंचा चबूतरा आपको देखने को मिलेगा। ऊंचा चबूतरे के साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपका शिखर होगा, शिखर आपका होता है कर्व के मॉडल में। इसी के साथ में यहां पे आपको महामंडप और अर्धमंडप की संकल्पना देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो मुख्य पूजा घर होता है, मुख्य पूजा स्थल, इसको गर्भगृह बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाए कि जो मंदिर का मुख्य पूजा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, ये गर्भगृह होता है। इसी के साथ ही में इसके प्रवेश, एक प्रवेश द्वार। ठीक, अगर आप इन सारी विशेषताओं या खूबियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नागर शैली की मंदिर है। अगर आप नागर शैली की इमेज को मैं एक बार आपको दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे नागर शैली में। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका ऊंचा चबूतरा है, ये ऊंचा चबूतरा है। ये वाला हिस्सा आपका गर्भगृह है,
ये हिस्सा आपका गर्भगृह है, ये आपका शिखर है, और ये आपका चक्र, और ये आपका अमलक है। ठीक, इसको बोलते हैं महामंडप और इसको बोलते हैं अर्धमंडप। ठीक, और ये आपका प्रवेश द्वार है। ये दक्षिण भारत की शैली है। अगर कुछ ऐसी ही संकल्पना आप देखेंगे तो ऐसी ही संकल्पना आपको आपके उत्तर भारत में नजर आएगी। इसी संकल्पना को हम नागर शैली कहते हैं। नागर शैली में जितने भी मंदिर बने हैं इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर आप दक्षिण भारत की शैली देखेंगे तो दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं, और उन्हीं चेंजिंग्स के आधार पर हम कहते हैं कि ये दक्षिण भारत की शैली है, ये उत्तर भारत की शैली है, और दोनों की जो बीच की शैली है उसे क्या कहते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, और इनकी जो मुख्य शैलियाँ हैं, मुख्य शैली की मैं बात करूँ तो एक है खजुराहो शैली, उड़ीसा शैली, गुजराती शैली और राजस्थानी शैली। ये सारी की सारी शैलियाँ ही नागर शैली के तहत बनाई गई हैं। चूँकि इन शैलियों का नाम का जो निर्धारण किया गया है वो उनके एरिया के वाइज पे किया गया है कि जिस एरिया में जौन सी स्थापत्य देखी जाती है, जो भी विशेषताएं देखी जाती हैं उन्हीं के आधार पे कहा जाता है ये कि उस एरिया की स्थापत्य है। एक सीधी सी बात है कि जिस क्षेत्र में जिस भी वस्तु की बहुलता ज़्यादा होगी वहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा, या जिन भी चीज़ों का वहाँ पे उपलब्धता बेहतर होगी पाया जाता होगा, वहाँ के स्थापत्य कला में उन चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिन भी मंदिर स्थापत्य में ज़्यादा देखने को मिलता है तो उन्हीं आधार पे हम उनकी शैलियों में बांट देते हैं कि ये कौन सी शैली है, ये कौन सी है और ये कौन सी, जिससे कि हमें उन चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। सो नागर शैली में भी चार उप शैली, एक है खजुराहो, एक है उड़ीसा, एक है गुजराती और एक है राजस्थानी। सो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है डी। इसी के साथ में मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, ये इमेज आपको क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। ये इमेज जो कि मैंने अभी आपको बताया ये वही इमेज है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तर भारत की एक मंदिर है। इसको मैंने बताया था कि ये चीजें आपकी शिखर है, मैंने आपको बताया कि जो साइड की चीजें हैं ये आपकी शिखर है, ऊपर आपका अमलक है, ये आपका क्लश है और ये आपका ध्वज है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे महामंडप और ये अर्धमंडप, साथ ही साथ में ये है आपका गर्भगृह और ये है आपका जगतीय प्रतिष्ठान। मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे उत्तर भारत का प्रवेश द्वार है उसे जगतीय प्रतिष्ठान कहा जाता है, और दक्षिण भारत में जो भी प्रवेश द्वार है जिससे हम प्रवेश करते हैं उसे गोपुरम कहा जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अगर इस इमेज को आप देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और क्लियर होंगी। इन्हीं के साथ में अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं जो उत्तर भारत की, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो आप इन्हें देख सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। इसी के साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ मुक्तेश्वर मंदिर की, तो मुक्तेश्वर मंदिर आपका उड़ीसा में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, इसी के साथ में दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में है, और सोमनाथ मंदिर ये आपका सोमनाथ गुजरात में है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि उन क्षेत्रीय विविधता के आधार पर उन्हें उप शैलियों में बांटा जाता है। आप इन दोनों को देखेंगे तो ये गुजराती शैली की मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर। इसी के साथ ही में अगर आप कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा शैली में निर्मित मंदिर है। इसी के साथ ही में अगर आप कांदरिया महादेव का देखेंगे तो ये खजुराहो शैली का मंदिर है। और इसी के साथ एक और आप किया जाती है, ये है गुजराती, सॉरी ये राजस्थानी, ये गुजराती, ये आपका उड़िया शैली और ये आपका खजुराहो शैली। ये मैंने एक एक शैली का एग्जाम्पल आपको दिया है जो कि स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य से जाना जाता है। और सामान्यतः आपसे पूछे भी जाते हैं कि कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, या लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। सो ये सारे मंदिर जो हैं ये आपके नागर शैली के मंदिर हैं। इसी के साथ ही में अगर मैं आपसे बात करूँ उनके इमेज की, तो मैंने आपको इमेज भी दिखाया कि ये इमेज है नागर शैली की। यहीं पे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। अगर मैं द्रविड़ शैली की बात करूं, मंदिर स्थापत्य में नागर हमने देख लिया द्रविड़ शैली है, अगर मैं द्रविड़ की बात करूं तो द्रविड़ शैली को दक्षिण भारतीय शैली भी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय शैली भी कहा जाता है। जैसा कि आपने नागर में देखा था कि मंदिर स्थापत्य में
एक बड़े ऊंचे चबूतरे की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर हम गर्भगृह का निर्माण करते हैं, शिखर का निर्माण, मध्य अर्धमंडप या महामंडप का निर्माण करते हैं। यहाँ वैसी चीजें नहीं है, यहाँ पे आपको सपाट जमीन पे देखना पड़ेगा, सपाट तल। यहाँ पे ऊंचा चबूतरे की कोई संकल्पना नहीं है, यहाँ सपाट तल पे ही मंदिर का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गोपुरम है, गोपुरम है, ये काफी भव्य आपको देखने को मिलता है, भव्य, ये आपको बहुत ही भव्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ में यहाँ जो शिखर है, शिखर ये तल्ला दर तल्ला बनाया जाता है, तल्ला दर तल्ला बनाया जाता है, 6, 9, 12, 16 इसी केस मतलब नंबरिंग में बनाया जाता है, दर तल्ले। मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उससे उसी के आधार पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट चीजें हम और देख लेते हैं। दक्षिण भारत शैली है, समतल तल पे, सपाट तल पे ये बनाया जाता है। गोपुरम इसका काफी भव्य होता है और शिखर तल्ला दर तल्ला बनाया जाता है। अगर मैं इसके एक इमेज की बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। आपको देखने को मिलेगा। और एक सबसे खास बात है कि यहां पे अर्धमंडप और महामंडप तो आपको देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक नंदी मंडप या कहीं कहीं नृत्य मंडप भी देखने को मिलता है। सामान्यतः आपने देखा होगा दक्षिण भारत के मंदिरों में गर्भगृह के जस्ट सामने एक नंदी महाराज की को बैठा दिया जाता है और उसके ऐसे करके भगवान के दर्शन किए जाते हैं। उसका सीधा जो डायमेंशन होता है वो गर्भगृह से होता है, ठीक। सो आप अगर देखेंगे, यह है आपका महामंडप, महामंडप, अर्धमंडप, और ये आपका नृत्य मंडप, और कहीं कहीं पे नंदी मंडप भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ में जो यहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, यानी जो आपको गेट देखने को मिलेगा, वो काफी भव्य होता है। इसको बोलते हैं गोपुरम, प्रवेश द्वार को गोपुरम बोलते हैं। इसके इसका जो शिखर ये है, इसको हम बोलते हैं शिखर, चक्र एंड अमलक। आपने नागर शैली में देखा कि वो पिरामिडाकार है, इसका जो शिखर है ये पिरामिडाकार है, लेकिन अगर आप देखेंगे नागर में तो वो कर्व के पैटर्न पे रहता है, यू पैटर्न पे रहता है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। यहाँ पे ये गर्भगृह है, जो कि आपको पहले ही पता है गर्भगृह है। साथ ही साथ में दक्षिण भारत के मंदिर में एक चीज आपको खासतौर पर देखने को मिलेगा कि यहाँ मंदिर के अंदर पूरी की पूरी एक शहर बसाई जाती है, पूरी पूरी की बस्तियां बसा दी जाती हैं। मंदिर में ही आप देखेंगे तो मंदिर में ही औद्योगिक संरचनाएं भी आपको मिलेंगी, व्यापार भी मिलेंगे, उद्योग वाणिज्य भी मिलेंगे, लोगों का आवास भी मिलेगा, और वहाँ पे व्यवसाय भी ठीक ठाक मात्रा में आपको मंदिर के अंदर ही देखने को मिलेगा। मतलब जो उनका प्रांगण है, मंदिर प्रांगण इतना बृहद बनाया जाता है कि सारी की सारी देखने पर यही लगता है कि मानो की पूरी बस्तियाँ, पूरी की पूरी कॉलोनी को इसी में समाहित कर दिया गया हो, ठीक है। तो भव्यता के आधार पर दक्षिण भारत में आपको बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? ये एक बार मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं, प्रदक्षिणा पथ ये वाला। आपको पता होगा कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो मुख्य घर होता है, जहां देवी देवताओं को बैठाया जाता है पूजा करने के लिए, उनके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं। उनके परिक्रमा करने का जो पथ है, उस पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ठीक है। सो ये परिक्रमा करने के लिए होता है, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इन जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, चक्र या अमलक, शिखर, ये पिरामिडाकार है, इसी को हम बोलते हैं विमान भी बोलते हैं, और गर्भगृह जो हमने बताया कि पूजा करने का स्थान है, मुख्य है, जहां देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है, वो गर्भगृह कहलाता है। सो इसका जो मेन आंसर है वो है आपका गोपुरम। दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आइए, अगर मैं वहीं पे नेक्स्ट की बात करूं तो ये चीजें आप देखेंगे, ये इमेज अगर मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये दक्षिण भारत की मंदिर है। आप देख रहे हैं इसका ये चीज यूं पिरामिडाकार में है, आप देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पिरामिड के ही आकार में है, इस शेप में नहीं बनाया गया। आई मीन
ये कर्व के पैटर्न पे नहीं बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। और आप देखेंगे नीचे तो ये वाला हिस्सा सपाट है, ऊंचे चबूतरे का निर्माण कहीं भी नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाहर देवी देवताओं का शिल्पांकन बहुत बेहतर और खूबसूरती तरीके से अलंकरण के तौर पर किया गया है। अगर मैं वही दक्षिण भारत के कुछ मंदिर की बात करूँ तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम ने बनवाया है, गोगईकोंड चोलपुरम जो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है, एरातेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने राजराज सेकंड ने बनवाया है, नेल्लौर का विष्णु मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, साथ ही साथ में वरदराज विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर ये हम्पी में है। इसी के साथ ही मैं अगर मैं बात करूं मीनाक्षी मंदिर मदुरई, इसमें बारा गोपुरम है, और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में। यहाँ इन मंदिर को देखने का सबसे खास बात यह है कि इन मंदिर की जो विशेषता है वो तो द्रविड़ शैली है ही। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी भी मंदिर का निर्माण जो आप एक आज वास्तविक तौर पे देख रहे हैं वो अचानक इतने बृहद में नहीं आई है, धीरे धीरे उनका निर्माण किया गया है। तो इन मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। अगर मैं मीनाक्षी या रामेश्वरम की बात करूँ तो ये जो हमारे यहाँ मंदिर है ये सामंत शासकों द्वारा बनाए गए हैं, ये सामंतियों ने बनवाया है। सामंत शासक क्या होते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न सामंत शासक खासकर मिडवल में भी आपको देखने को मिलेगा, और खास मिडवल के साथ ही देखेंगे तो ये एंशियंट में भी देखने को मिलेगा सामंत शासक। तो ये जो बनाया गया है ये सामंत शासकों के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बेसर शैली का संबंध निम्नलिखित में से, बेसर शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है या विंध कृष्णयुम, इसका कि विंध क्षेत्र यानी कृष्णयुम विंध यम दक्कन के क्षेत्रों में इनका विस्तार है, यह एक नागर और द्रविड़ शैली जैसी मौलिक शैली है, बेसर शैली को होयसाल के गर्भगृह या बहुकोणीय पंच सितारा हैं, इनकी जो उप शैली है ये पश्चिमी चालुक्य राष्ट्रकूट या होयसाल। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है अगर एक बार हम बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली का जो क्षेत्र है वो दक्कन क्षेत्र है। ठीक, बेसर शैली कोई भी मौलिक शैली नहीं है, जैसे कि नागर और द्रविड़ में आपने देखा कि उनकी एक बेसिक एक उनकी मौलिक शैली है कि देखने के आधार पर तुरंत आप कह सकते हैं कि हाँ ये नागर शैली की मंदिर है या हाँ पे ये द्रविड़ शैली की मंदिर है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ बेसर शैली की तो बेसर शैली कोई मौलिक शैली नहीं है, इन दोनों का संक्रमण यानी इन दोनों के संयुक्त शैली के आधार पर बेसर शैली का निर्माण किया गया है। अगर मैं अभी बात करूँ नागर शैली में, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक, ये हमारा भारत है, तो अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत की ये वाला हिस्सा पूरा ये, तो यहाँ पे तो आप नागर शैली देखेंगे, और अगर मैं दक्षिण भारत की इस शैली की बात करूँ तो यहाँ पे आप द्रविड़ शैली देखते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला या आई मीन ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये संक्रमण यानी ट्रांजेक्शन में है, और इनके बीच की जो आपको देखने को मिलेगी शैली वो बेसर शैली देखने को मिलती है। आई मीन विंध से दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मंदिर स्थापत्य आपको देखने को मिलेगा वो बेसर शैली में देखने को मिलेगा। और बेसर शैली की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो इनकी बनावट है, बनावट तो इनका द्रविड़ शैली जैसा है, लेकिन इसी के साथ में अगर इनके अलंकरण की मैं बात करूँ या गर्भगृह की बात करूँ तो नागर शैली की विशेषताएँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विद्युम दक्कन क्षेत्र जो कि आपका सही ऑप्शन है, यह एक द्रविड़ियम नागर की मौलिक शैली है, तो जी नहीं, ये कोई एक मौलिक शैली नहीं है, जबकि यह नागर और द्रविड़ की संयुक्त शैली है, दोनों को मिश्रित शैली के आधार पर बेसर शैली का निर्माण किया गया है। बेसर शैली में होयसाल के गर्भगृह पंचकोणीय पंच बहुकोणीय पंच सितारा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है आपका कि जो बेसर शैली की मैं बात करूं तो बेसर शैली में जो होयसाल उप शैली है, बेसर शैली में अगर मैं उप शैलियों की बात करूं तो पश्चिमी चालुक्य आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूट आपको देखने को मिलेंगे और होयसाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो होयसाल शैली है सबसे नवीनतम होयसाल शैली मानी जाती है, और होयसाल शैली के जो गर्भगृह हैं वो बहुकोणीय जो पंच सितारा देखे जाते हैं। इनकी जो उप शैली है ये चालुक्य है, राष्ट्रकूट है और होयसाल है। सबसे पहले चालुक्य आए हैं, फिर राष्ट्रकूट आए हैं, फिर होयसाल आए हैं। इन्होंने जैसे जैसे निर्माण किया है इनके निर्माण के आधार पर ही इनकी उप शैलियों को बांट दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन गलत है जो कि दो,
बाकी हमारे तीन सही हैं, पहला सही है, तीसरा और चौथा सही है। सो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हमने नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, इन तीनों की शैलियों को देखा है। इसके साथ ही में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये है थूहा, थूहा या ढेर, समाधि स्थल, पूजा स्थल या रहने का स्थान। देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है थूप या थूहा, क्योंकि ये आपका सही है। ठीक, स्तूप का जो निर्माण किया जाता है ये संतों या आचार्यों के समाधि स्थल होते हैं। ठीक, समाधि स्थल यहां पे ऑप्शन नहीं होगा, मैंने सिर्फ अर्थ पूछा है, तो इनका शाब्दिक अर्थ है थूप या थूहा या ढेर। ठीक, लेकिन जो स्तूप के निर्माण की संकल्पना है, संकल्पनाओं की अगर मैं बात करूं तो जो संत आचार्य होते थे उनके जो मृत होने के पश्चात उनके जो समाधि स्थल होते थे उनकी समाधि स्थल के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाता था। खासकर ये जब आप बौद्ध की बात करेंगे, हालांकि स्तूप का निर्माण देखेंगे तो इसकी जो निर्माण है ये बौद्ध, ये महात्मा बौद्ध के परिनिर्माण के बाद, परिनिर्वाण के बाद आपको देखने को मिलेगा। परिनिर्वाण का बौद्ध धर्म में सीधा सा संबंध है मृत्यु। मृत्यु शब्द का जो अर्थ लिया गया है बौद्ध धर्म में वो लिया गया है परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। और बौद्ध धर्म में अगर मैं बात करूं एक वर्ड और देखने को मिलता है, वो है निर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ है ज्ञान। ठीक, लेकिन अगर जैन में आप देखेंगे तो जस्ट उल्टा है, ज्ञान का मतलब जैनियों में मृत्यु को माना गया है और परिनिर्वाण का मतलब वहाँ पे ज्ञान को माना गया है। क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि बौद्ध धर्म यह मानता है कि जो निर्वाण प्राप्ति है वो मृत्यु के पहले भी संभव है, यानी आप महापरिनिर्वाण से पहले भी निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जैनियों का ये मानना है कि निर्वाण प्राप्ति महापरिनिर्वाण के बाद ही हो सकता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही की जा सकती है, ऐसा जैनिज्म का मानना है। इसीलिए इनका अर्थ भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। सो जो हमारे यहाँ स्तूप शब्द है, स्तूप की जो संकल्पना विकसित हुई है बौद्ध के परिनिर्वाण के बाद हुई है, इसीलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है थूप या थूहा या ढेर, इनकी शाब्दिक अर्थ है, इनका जो स्थान था असंत एवं आचार्यों के समाधि स्थल के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सांची के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं, या रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, हीन यानी संकल्पना जैसे शेर हाथी घोड़ा चक्र का शिल्पांकन किया गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनका सांची के स्तूप का निर्माण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रारंभ हुआ। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे स्तूप के निर्माण की संकल्पना विकसित हुई है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई, तो आपका पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है ये भी सही है, हीन यानी कि संकल्पनाओं के आधार पर विकसित किया गया ये भी सही है। अगर आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में दो संकल्पनाएं हुई हैं, हीन यान और महायान। जब दूसरी बौद्ध संगीति दूसरी हुई तो महायान और जो बौद्ध धर्म था ये हीन यान और महायान में विभाजित हो गया। हीन यानी जो थे वो बौद्ध धर्म में जैसे ही महात्मा बुद्ध ने जिन भी तथ्यों को लेकर चले उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया, और जो महायानी थे महायानियों ने अपनी उपयोगितावादी या जैसे जैसे जरूरतें समझते गए वो उनमें परिवर्तन करने लगे। ठीक है, सो हीन यान महायान हम वहाँ देख लेंगे। सो जो हीन यानी है, हीन यानी संकल्पनाओं में निर्माण में शेर हाथी घोड़ा चक्र इन सभी का शिल्पांकन किया गया है। चूँकि मैं बात करूं बौद्धिज्म की तो बौद्धिज्म में जो महायानी थे महायानियों ने ही बुद्ध को एज अ भगवान स्वरूप माना है और मूर्ति निर्माण करके उनकी पूजा की है, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन हीन यानियों ने बुद्ध की पूजा एज अ देवता के स्वरूप में नहीं किया है बल्कि उनके स्तूपों के निर्माण में पूजा की है, यानी बुद्ध के मृत्यु के पश्चात यानी महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अंगों को आठ आठ जगह पर रखे गए और आठों जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया और उन स्तूपों की पूजा की गई। ये संकल्पना हीन यानी
के तहत हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो आपका सांची का स्तूप है, ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है, सभी आई मीन ये सारे के सारे सही हैं। अगर मैं एक इमेज की बात करूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, तो ये है। उम्मीद करता हूं कि ये इमेज आपको क्लियर दिख रही होगी। ये सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। ठीक, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इसको वेदिका बोला जाता है। ये आपका जो हिस्सा, ये आपका प्रवेश द्वार वाला हिस्सा है। ठीक, इसको अंड बोलते हैं, इसको हर्मिका बोलते हैं, और इसको तो चक्र बोलते ही हैं। साथ ही साथ में ये वाला हिस्सा, ये आपका वेदिका, और ये वाला हिस्सा प्रदक्षिणा पथ के रूप में हम देखते हैं। ठीक, ये आपका सांची का स्तूप है, जो कि आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि सांची हो या भड़ौत, इन दोनों का जो निर्माण की संकल्पना है, ये मौर्य काल में हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़ौत का संबंध निम्नलिखित में से है, पिपराहवा लेख, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल या गुप्तोत्तर काल। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि सांची, भड़ौत और अमरावती, ये हमारे यहाँ स्तूपों के तीन प्रकार देखे जाते हैं। चाहे वो सांची हो या भड़ौत या अमरावती, इनके बनावट एवं संरचना के आधार पर, काल निर्धारण के आधार पे, हम ये कहते हैं कि सांची का स्तूप है या भड़ौत का, ये अमरावती का स्तूप है। हाँ, ये थोड़ा डिबेट का प्रश्न है कि सांची या भड़ौत में दोनों में से पहले कौन सा निर्माण किया गया है, क्योंकि सांची के स्तूप तो आज भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन भड़ौत खंडहर स्थिति में हमें देखने को मिलता है। सो भड़ौत का संबंध जो है, ये मौर्य काल से है, और मौर्य काल से दोनों ही है। आपका सांची का भी संबंध है और आपके भड़ौत से भी संबंध आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं तो ये इमेज, ये है आपका भड़ौत, ये इमेज, ये आपका है भड़ौत। अगर आप देखेंगे तो इनमें और सांची के स्तूप में काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर या इनके बनावट के आधार पे हम इन्हें बांटते हैं कि ये सांची है या भड़ौत। इसी के साथ में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखूं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप लाल बलुआ पत्थर तथा अंड सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इस चीज पे थोड़ा आप गौर करिएगा। ठीक, सांची, भड़ौत, अमरावती या ये सभी। ठीक, मैंने आपको भी दो इमेजेस दिखाए थे, एक बार मैं बैक कर रहा हूं। ये इसमें आपको कहीं भी सफेद संगमरमर का जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है। किसका बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे सांची का स्तूप, तो सांची के स्तूप में भी लाल बलुआ पत्थर का ही निर्माण किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, पूछ रहा है कि लाल बलुआ पत्थर के साथ ही साथ में सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। तो सफेद संगमरमर सांची में तो है नहीं, भड़ौत में है नहीं, एकमात्र ऑप्शन बचता है आपका सी, अमरावती। अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो ये, जो कि आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, ये एक मोस्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिसका अंड वो सफेद संगमरमर से निर्मित है, तो वो है आपका अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चैत एवं बिहार का अर्थ है, चैत क्या है और बिहार क्या है। ठीक, ये सारे स्थापत्य कला में आपको देखने को मिलेंगे, चैत्य और बिहार। पहला ऑप्शन है पूजा स्थल एंड रहने का स्थान, दूसरा रहने का स्थान या पूजा स्थल, एक है समाधि स्थल या संगोष्ठी स्थल। ठीक, सो हमने अभी नागर द्रविड़ और बेसर को देखा। उसी के साथ में अगर मैं चैत्य और बिहार की बात करूं, तो चैत्य बिहार ये भी धर्म से ही रिलेटेड है और यह मौर्य काल से रिलेटेड है। अगर मैं चैत्य की बात करूं, तो चैत्य बेसिकली पूजा स्थल के रूप में किया जाता था, और अगर मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार रहने के लिए यूज किया जाता था। चूंकि चैत्य और बिहार एक दूसरे से को रिलेटेड है, जैसे कि मैं एक इमेज ड्रा कर रहा हूं, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से,
ठीक, कुछ इसी तरीके से आपका चैत्य स्तूप बिहार होता था। बेसिकली ये गुफा को काट के नीचे नीचे से ही काट के निर्माण किया जाता था, और लास्ट में ये जो होता था ये होता था गर्भगृह, गर्भगृह, और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जो हमने आपको पहले ही बताया कि परिक्रमा करने का स्थान होता था। ठीक, बेसिकली चैत्य और बिहार का जो प्रयोग किया गया है ये जैनिज्म के लिए किया गया, जो जैनियों होते थे वो इसका खासकर प्रयोग करते थे। ठीक है, सो इधर से ये एक प्रवेश द्वार होता था, इधर से आप प्रवेश करते थे, आप जाते थे, यहाँ पे आप दर्शन करते थे, पूजा करते थे, और यूं प्रदक्षिणा पथ पे आप परिक्रमा करके और फिर आप ऐसे वापस आते थे। मैंने ये बना रखा है, आप थोड़ा गौर करिएगा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये 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 और ये, और साथ ही में ये वाला हिस्सा। जब मैंने ये हिस्सा बना रखा है, ये आपका बिहार कहलाता है, ये बिहार कहलाता है, और ये आपका चैत्य कहलाता है। ठीक, इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि चैत्य और बिहार क्या होता है। ये पूजा करने के लिए होता है और ये रहने के लिए होता है। इसी के आधार पे जो आपका रिसेंटली यूपी के सटा हुआ एक राज्य है बिहार, बिहार का सीधा सा यही मतलब होता है कि रहने के स्थान के रूप में जो प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था उसे बिहार कहते हैं। ठीक, सो अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, तो ध्यान देंगे कि जो चैत्य है पूजा करने का स्थल और बिहार रहने का स्थल होता है। अगर आप इनके इमेज को देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होते। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ इमेज की, दिस, अगर आप ये इमेज देखेंगे, मैंने उसको टू डायमेंशनल में बनाया, और ये आप सीधे देखेंगे, जैसे ये पिलर है, ये इधर से आप एंट्री करते हैं, ये आपका गर्भगृह है, इसी के चारों ओर आप परिक्रमा करते हैं और फिर आप वापस आते हैं। इन्हीं के जस्ट पीछे ही आपका बिहार का निर्माण किया गया है। ओके, सो ये स्थापत्य कला से चीज़ें हमने देखी हैं, इनके चीज़ों में कुछ चीज़ें और एडिशनल हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। कोशिश पूरी यही रही कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दूं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, बिहार क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, नागर शैली क्या है, वेसर शैली क्या है, उनके कैटेगराइज कैसे किए गए, उनकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें आप बताने में इजिली सक्षम होंगे। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य है कि टॉपिक वाइज मैं आपको डेटा डिलीवर कर दूं, क्योंकि आपका एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो पीसीएस 12 को लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपका लेखपाल को लगा हुआ है, इन दोनों एग्जाम को तो फोकस किया ही जा रहा है। प्लस अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं और साथ ही साथ में अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सो ये क्लासेस आपको देखनी चाहिए। देखिए, आप देखते हैं या नहीं वो अलग का मैटर है, आप कहीं से भी देखिए, बट इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। किसी भी मास्टर से पढ़िए, किसी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ में लीजिए, बट इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि लेखपाल में आएगा या नहीं आएगा, यूपी पीसीएस में आएगा नहीं आएगा, या यूपी सुपर टेट में आएगा नहीं आएगा, पिट में आना वाला है या नहीं है, डजंट मैटर। ये क्लासेस आपको देखनी चाहिए, या इन टॉपिक्स को आप नोट करके कहीं से भी कवर करिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लासेस थी, ये क्वेश्चंस थे, हमने इन्हें कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा आर्ट एंड कल्चर का। हमने यहाँ पे स्थापत्य देखा, वहाँ पे हम और भी जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी वहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।